दो धमाकेदार अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से, एक है अमेजोन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको अपडेट बताता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2.0 आने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। 2.0 का मतलब ये होता है जो लोग योनो SBI इस्तेमाल करते हैं, वो जिनके पास SBI का खाता है वही लोग योनो SBI इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जब 2.0 आएगा, योनो SBI का 2.0, किसी भी अकाउंट में उनका खाता हो, किसी भी बैंक में खाता हो, वो भी यूज कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ, जिनके पास SBI का खाता नहीं रहेगा वो भी योनो SBI का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस्तेमाल करते आए हैं, उसी तरह से योनो SBI को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि योनो SBI का 2.0 आ गया है, अभी बिल्कुल भी नहीं आया है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दिया। सिर्फ योनो SBI में एक छोटी सी अपडेट आया है। जो भी लॉगिन प्रॉब्लम होते हैं, जो एरर बताते हैं लॉगिन करने पे, वो आपका काफी हद तक यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से अपडेट। दूसरा अपडेट है अमेजोन पे के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेजोन पे वॉलेट में जो भी आपके रुपये पड़े हैं, 100, 200, 500, 1000, वो आप अपने खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं सीधे। लेकिन ये फीचर की मदद से आप लोग जो है अमेजोन पे UPI वॉलेट में जो भी आपका पैसा पड़ा हुआ वो आप खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे। ये हाल ही में ये अमेजोन पे में ये फीचर अपडेट किया गया है कि आप लोग जो है अमेजोन पे वॉलेट से सीधे खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है। इसमें बताया गया है जो आप अपने अकाउंट से पैसा ऐड करेंगे अमेजोन पे वॉलेट में, वही पैसा को आप ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे कि मान चलिए आप अपने खाते से 100 रुपया अमेजोन पे वॉलेट में ऐड किया और 80 रुपया आपने खर्च कर दिया और 20 रुपया बच गए अमेजोन पे वॉलेट में, तो 20 रुपया को आप अपने खाते में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजली का जैसे बिल पे करते हैं, चार्ज करते हैं, या कोई भी आपको कैशबैक मिलता है अमेजोन पे वॉलेट में, वो पैसे आप खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फीचर इसी गिने चुने को अभी मिला है, ये बीटा वर्जन में अभी ट्रायल हो रहा है, आने वाले समय में ये सभी को दे दिया जाएगा। तो ये था अमेजोन पे के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट। तो मैंने आपको इस वीडियो में दो अपडेट बताया, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से और अमेजोन पे के तरफ से। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपको ये फीचर मिला है, क्या आपका अमेजोन पे वॉलेट का फुल KYC हुआ है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।